करहल के संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्रामीण अपर पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन जागृति में भाग लिया। वहीं संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्रामीण अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने ऑपरेशन जागृति फेज टू में पहुंचकर स्कूल के बच्चों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम से लोग जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी हद तक झूठे मुकदमे में भी कमी आई है। इस अवसर पर CEO संतोष कुमार, थाना प्रभारी ललित भाटी, स्कूल के निर्देशक JP यादव और संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का समस्त स्टाफ और छात्र उपस्थित रहे। हम लोग आज यहाँ बच्चों को सिखाने आए, जो हमारे चार बिंदु हैं कि अपराध न हो तथा साइबर क्राइम और छोटे छोटे अनजान बच्चे हैं वो खैर फंसते हैं, उसके संबंध में हम लोग एक कार्यशाला टाइप से हमारे इन बच्चों को पूरा डिटेल में कि अगर अपराध कराने के लिए झूठा मुकदमा लिखाने के लिए आपको कोई प्रोवोकेट करता है तो उसका विरोध करो। अगर आपके साथ कोई टचिंग नहीं है, आपको लगता घर से आने के बाहर आने स्कूल जाने आने में कहीं आपको लगता मेरे संग कुछ गलत हो रहा कोई छीटा कि जो मुंह खोल के घर में आप शिकायत करिए, 10 नंबर पर शिकायत करिए, थाने में हेल्प डेस्क है वहाँ आइए या आपके महिला टीचर हैं उन्हें बताइए। अगला लास्ट दिन था हमारा साइबर क्राइम, या फेसबुक व्हाट्सएप जो भी चलाते हैं एक तो फिर इसके व्हाट्सएप पे DP देना है, दूसरा अपने निजी कोई जानकारी शेयर न करें, तो ये साइबर क्राइम के संबंध में सभी बच्चों को जानकारी। सर बता रही है कि हमें फ़ोन का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, फ़ोन लिमिट में चलाना चाहिए, बस स्टडी के पर्पज से हमें फ़ोन का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें कोई गलत मुकदमा लिखाता है तो हम उसमें शामिल ना हो। आज मुझे मौका मिला बताइए, हमें कभी भी किसी के ऊपर गलत मुकदमा नहीं लिखवाना है, मतलब अगर हमारी पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो हमें उन्हें रोकना है, और हमें अपने व्हाट्सएप हमें सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जिससे हमारे लाइफ टाइम में हमारे लिए काफ़ी खतरा होता है।